नमस्कार। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पोषण अभियान के अंतर्गत हम करने जा रहे हैं रचनात्मक कार्यशालाएं, जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई हैं। इन कार्यशालाओं के माध्यम से हम आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के ज्ञान एवं क्षमता निर्माण करने का सजग प्रयास करना चाहते हैं, ताकि हम सकुशल तरीके से अपने आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के विकास के लिए गतिविधियां कर पाएं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन रचनात्मक कार्यशालाओं का आयोजन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के साथ मिलकर करेगा। इन कार्यशालाओं के मुख्य उद्देश्य हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रारंभिक बाल्य अवस्था एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के बारे में ज्ञान साझा करना, साथ ही ये कोशिश करना कि इन प्रयासों के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र को बच्चों के प्रारंभिक विकास के लिए अति महत्वपूर्ण सक्षम केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। इन कार्यशालाओं में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी होगा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पारंपरिक खिलौने के बारे में बताना। इसके साथ ही इन कार्यशालाओं को रचनात्मक बनाने के लिए कम मूल्य से शैक्षिक सामग्री बनाने के स्तर भी होंगे। ये सब कार्य पारंपरिक खिलौनों को बढ़ावा देने हेतु एवं खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पारंपरिक खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इन कार्यशालाओं के द्वारा हम चाहते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां बाल विकास के विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों द्वारा साझा किए गए ज्ञान से बच्चों के विकास में रचनात्मक योगदान दे सके। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इन कार्यशालाओं के द्वारा जन्म से 6 साल तक के बच्चों के जीवन से जुड़े विभिन्न वर्गों पर चर्चा करने का मौका मिलेगा, जैसे पोषण, शारीरिक, भौतिक, रचनात्मक, सामाजिक, भावनात्मक विकास। इन कार्यशालाओं में विभिन्न राज्यों की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां भी अपने द्वारा बनाए गए पारंपरिक खिलौने एवं शैक्षिक सामग्री को भी हमारे साथ साझा करेंगी। हम आशा करते हैं कि इसके द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान में आंगनबाड़ी भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन पाएगी। हम सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को इस प्रयास में सहयोग देने का आह्वान करते हैं। साथ ही ये प्रण लेते हैं कि हम आंगनबाड़ी द्वारा पारंपरिक खिलौनों को बढ़ावा देंगे। जय हिंद।